स्वच्छ, और एक होते हैं अस्वच्छ। स्वच्छ शौचालय से क्या अभिप्राय है आपका? स्वच्छ जो शौचालय होता है क्या समझते हैं आप उससे? एक शौचालय का प्रयोग करना ही गंदगी को भगाना नहीं होता, शौचालय का प्रयोग कर लेकिन हमें नहीं पता कि ये फिर भी अस्वच्छ है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। गंदगी हमारे पेट तक पहुंच रही है, मलमली हमारा मल हमारे मुंह तक पहुंच रहा है। अब ये इसमें हमने जालीदार बनाया, अगर एक भर गया तो दूसरा फिर हम चालू कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे पानी उसमें वो सूखता रहता है और एक खाद जैसा बन जाता है सूखकर, ठीक है, खाद जैसा बन जाता है, ये थोड़ा सा हो जाता है और इसका पानी का भी लेवल, ये तो सीधा नाली और नहरों में जाता है, ये वाला कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से, तो वो हमारा वाटर लेवल पे मिक्स जाके नहीं होगा और हमें नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि ऐसा वाला टॉयलेट अगर है भी किसी का तो उसमें एक सोक पिट बना दी जाए, उसमें बोरी या कुछ कंकड़ पत्थर जिससे वो पानी बजरी वगैरह भर के और 2 फीट गहराई में बना के गोल, और उसमें ऐसा पत्थर या फिर बोरी वगैरह काट देते हैं उसे, उसमें ही पानी को सोखता रहे जिससे वो नीचे पानी मिक्स ना हो। और अगर वो ऐसा है तो नल से मतलब कम से कम 4-5 फीट की दूरी पे हो। चला है इस प्रोग्राम में, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, जो हमारा अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि गांव-गांव में जितने भी हमारा जो टारगेट एरिया है, हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी खुले में जो है ना जाए। हमारा जो नोएडा अथॉरिटी है, यहाँ पे जगह जगह हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, उन्हें खुले में ना जाना पड़े और वो शौचालय का प्रयोग करें। पूरा देखो, अभी भी जितने भी एरियाज़ हैं, वैसे तो जो है हमारा नोएडा ODF हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो खुले में जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जैसे अब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, 500 झुग्गी झोपड़ियां हैं, लेकिन जो लोग हैं जो जो टॉयलेट्स हैं वो कम है अभी, तो अभी इसका जो है टेंडर भरा जा रहा है जो कि अभी टॉयलेट्स नए आने वाले हैं। हाँ, कुछ कम है कुछ। देखो मानसिकता वो बचपन से जो है, अब कोई 70 साल का है, वो बचपन से ही खुले में गया है, उसी टाइम लगेगा उसे। हाँ, देखो खुले में जो शौच जाएगा उसे 200 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, और जो खुले में जो यूरिन करेगा उसे 100 रुपए। सख्त वाला अभियान चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, और जो लैट्रिन है वो जो है खड्डा खोद के दो गड्ढे वाली लैट्रिन बनानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफ़ी स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, TV पे ऐड भी आ रही है, अक्षय कुमार भी इसके ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा गांव है सलापुर खादर, इतना बड़ा गांव, इतनी जनसंख्या है, इस गांव में जितने भी रोड है सब पे कीचड़ जमा है, चारों तरफ कबाड़ा पड़ा रहता है, और जैसे कि मैं बताई थी कि लैटरिन यहाँ पे इतना जगह खुला एरिया ही नहीं है, कच्चा ही नहीं है किसी घर में ताकि वो लैटरिन बना सके, सारा सिस्टम सीवरेज सिस्टम है, लेकिन जितना भी सिस्टम है सीवरेज सिस्टम और जो नाली का जो पानी है वो सब जगह जाम हुए पड़ा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बार बार कंप्लेंट शिकायत होते हैं गाँव वालों की तरफ से, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, नाले के पानी के विषय में हमारा इरीगेशन ड्रेन से संबंध हो जाने जा रहा है, पानी की निकासी आराम से हो जाएगी, सिर्फ 3-4 दिन और लगेंगे बस। जैसे आपने बताया नाले के बारे में, लेकिन जो सीवर जो जाम हो रहे हैं क्या वो नाले में जा रहे हैं? नहीं, सीवर की अलग लाइन है, वो सीवर अलग विभाग देखता है। अब जैसे गांव में गांव वाले सफाई करते हैं, अपन घर के पास कोई ऐसी जगह तो है नहीं गांव के अंदर डंपिंग ग्राउंड जहां पे कबाड़ा डाल जाए कोई, तो घर के पास जो है सफाई होती है, जैसे नाली सफाई होती है, कचरा निकलता है, लेकिन वो दूसरे दिन उसी नाले में चला जाता है, लेकिन सफाई नहीं हो पाती, वो डेली उठता है कूड़ा, कहीं की भी कुछ शिकायत आने पर तुरंत उठवा दिया जाता है। पहली बात तो हमारी टीम लगी हुई है हर गाँव में, हर गली में टीम है, आज तक खुली नहीं है 2 महीने से। सबसे मेन समस्या हमारी सीवर की है, जिससे कि इनके जेई साहब हैं जो वो है, उनका नाम AP साहब है वर्मा जी, उनके पास भी हमने कंप्लेंट करी, पवन जी हैं इनके जेई, उनसे कंप्लेंट करी, आज तक वो सीवर पे किसी ने भी नहीं एक्शन लिया। सबसे मेन हमारा सीवर है जो हमारे गांव में ठप पड़े हैं, गंदगी के कारण सबसे कारण हमारा सीवर है। जी सर, आपने बोला है कि कंप्लेंट साहब हैं उनको कंप्लेंट कर दीजिएगा, ही साहब नहीं है इनके सीवर वालों को, उनको कंप्लेंट कर दीजिएगा। अभी साहब अपना नंबर दे दो, हम तो उनसे एक बार कह देंगे। देखो, हेलो, मैं स्वास्थ्य विभाग से सतीश शर्मा, सुपरवाइजर भंगेल, मैं यही कहूँगा कि कोई खुले में जो शौच ना करे, खुले में टॉयलेट ना करे, और सफाई सर्वेक्षण में हमारा जो साथ दे, और जितने भी इधर उधर जो है पॉलीथिन वगैरह गंदगी जो फैलाते हैं पड़ोस में अपने में,
सफाई रखें, बराबर में वो गंदगी को नहीं भगाएं, पड़ोसी को भी सचेत करें कि जो कूड़ा जो है सुनिश्चित जगह पर ही डालें, वैसे खुले में न डालें। यही मैं कहूँगा, हमारी जो टीम जो सभी सर्वेक्षण वाली टीम जो काफ़ी मेहनत कर रही है, हमारे नोएडा अथॉरिटी के जो नोएडा प्राधिकरण के जितने भी स्टाफ वाले हैं सभी मेहनत कर रहे हैं फील्ड में जाकर के, सभी को जन जन को जो समझा रहे हैं। और यही मैं ये कहूँगा कि सभी तक जो है सफाई में चार चांद नहीं लगेंगे, और सहयोग अगर जनता का मिल जाए तो चार चांद लग जाएंगे। धन्यवाद। जनता की तरफ से सहयोग किस प्रकार हो, तो अपने घर में सफाई कर रहे हैं और कचरे को बाहर डाल देते हैं, वो गलत कोई डाल कोई जगह पे इतनी उनके पास जगह बनी हुई है, जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं, उसको जो है अपने घर में जो डस्टबिन, अपने घरों में जो डस्टबिन रखें। अब हमारा जो है डोर टू डोर कलेक्शन वाली जो है वो शुरू हो गया है, उसी में गाड़ी आएगी, गाड़ी में जो गार्बेज को डालें, कूड़ा जो हमने जो डस्टबिन में भर के रखा है घर पर, वो गाड़ी आएगी डोर टू डोर, उसमें डाल दें। ये अपना कहीं पर भी बाहर खुले में न डालें, जहाँ पर भी अथॉरिटी ने जो डंपिंग ग्राउंड जो बना रखा है, पॉइंट बना रखे हैं, वहाँ पे जो है हमारी ट्रैक्टर गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसी मशीन और हाइवा आते हैं, वो उनको ले जाते हैं उठा के। और ये सारा जो है कूड़ा कबाड़ा, ये सारा डंपिंग ग्राउंड हमारा सेक्टर 145 में है, वहाँ पे जाता है सारा, जितना भी आप कूड़ा उसमें डालोगे, डोर टू डोर कलेक्शन वाले ये जो छोटे हाथी चल रहे हैं उसमें आप डालो, वो सीधे 145 सेक्टर 145 आपकी सर्विस नहीं पहुँच पा रही। हमारी सर्विस शुरू हुआ है, तो स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सर्विस हर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द पूरे नेवाड़ा में, नहीं नहीं, आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, वैसे काम इस पे बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, आपको भी पता होगा। हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा, आज गांव सलापुर खादर में स्वच्छ भारत अभियान चला है और लोगों को जागरूक किया गया है कि खुले में शौच ना करें, और सभी अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, और गांव वाले भी काफ़ी उपस्थित थे यहां पे, वो भी उनके जो धारणाएं वो काफ़ी अच्छी थी। धन्यवाद।